इतिहास का एकमात्र ऐसा घोड़ा जिसके मुकाबले आज तक कोई घोड़ा पैदा नहीं हुआ। वीर योद्धा महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, जो हवा को चीर कर अपनी राह बना देता था। 300 किलो से अधिक वजन को लेकर ऐसे दौड़ता था मानो सूर्य रथ का घोड़ा हो। जिसका नीला रंग, लंबा चेहरा, शानदार चमकदार आंखें, जो दिखने में आकर्षित, आक्रामक और अहंकारी, किसी के नियंत्रण में न आने वाला ये घोड़ा था। बादशाह अकबर के भी ऐसे घोड़े की गाथा सुनकर रोंगटे खड़े हो गए थे। युद्ध के दौरान चेतक को हाथी का मुख पहनाया जाता था, जिसे शत्रु सेना के हाथी भ्रमित हो जाते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में कप्तान मानसिंह के हाथी के सिर पर चढ़कर चेतक ने महाराणा को मानसिंह से ऊंचा किया, जिससे हाथी पर बैठे सेना के प्रमुख को महाराणा ने मौत के घाट उतार दिया। ये घोड़ा नहीं, मुगलों के लिए खौफ था। एक पैर कटने के बावजूद 5 किलोमीटर दुश्मनों से भी तेज दौड़ा और 21 फीट नाला लांग कर अपने स्वामी को सुरक्षित जगह पहुँचाने के बाद चैन की नींद हमेशा के लिए सो गया। अपने स्वामी के लिए ये घोड़ा नहीं, अपना बेटा था। इसने अपने पिता के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। परिणाम है ऐसे अश्व को जिसने राजपूती मिट्टी का मान रखा।